सो इसके अंदर जाके देखते हैं क्या इसके अंदर। सो लास्ट व्लॉग में हम कुरुक्षेत्र रहते जहाँ हमने पनोरमा घूमा था, वहाँ पर हमने महाभारत का सीन देखा था। फिर इसके साइड में एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट था, हमने सोचा वहाँ पे क्यों ना जाया जाए। उसका नाम है नाभा हाउस। इसकी याद मुझे भूल भुलैया के मूवी में जो बंगला था उसकी याद दिला देता है, बिल्कुल वैसे दिखता है, भूतिया बंगला जैसा टाइप दिखता है। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही थी, जो कि एक चौकीदार का हाउस लग रहा था या फिर किसी शेर को अंदर डाला जाता था, पता नहीं इसके अंदर क्या था, इतनी हिस्ट्री मेरे को नहीं पता। सो ये बिल्डिंग 1800 में बनाई गई थी एक रॉयल फैमिलीज के द्वारा, नाभास के द्वारा, जो कि यूज़ हुआ करती थी एक होटल की तरह। तो उस टाइम तो होटल नहीं हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर जब भी रिलीजियस परफॉर्मेंस हुआ करती थी तो यहाँ पर नाभास फैमिलीज के जो मेंबर्स थे यहाँ पर स्टे करते थे, यहाँ पर रॉयल फैमिली स्टे करती थी सिर्फ। इस बिल्डिंग के अपोजिट एक सरोवर है जहाँ पर जो अमीर लोग थे वहाँ पर पूजा करते थे सुबह और शाम को। इस बिल्डिंग को 1857 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन 2005 में इसको फिर से रिस्टोर किया गया, जिसमें कम से कम 1.5 करोड़ रुपए लगे। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, जो कि एक अंडरग्राउंड जा रही थी, ये चीज़ नीचे देखो। तो इसमें भी अब अभी हम जाएंगे नीचे, देखेंगे और है क्या इसके अंदर। वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सो अब अपने थ्रिल और सस्पेंस मोड में आ जाओ।